नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म केसरी के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हॉलीवुड, टॉलीवुड और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके भाई का चैनल एवी बॉक्स ऑफिस। चलिए दोस्तों, अगर हम बढ़े हमारी फिल्म केसरी की तरफ, तो केसरी फिल्म के रिव्यूज तो काफ़ी शानदार निकल गए थे, पब्लिक को फिल्म काफ़ी पसंद भी आई थी। बट दोस्तों, इस फिल्म से कलेश करने के लिए आ चुके थे IPL, जो कि तीसरे दिन से स्टार्ट हो चुके थे, और साथ ही साथ में बीच में टांग मार दी थी एग्जाम ने, जिसकी वजह से इस फिल्म का कलेक्शन तो काफी कम आए। मैं पे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट था तकरीबन 80 करोड़ रुपए, और इसी के साथ में इस फिल्म का पोस्ट और प्रोडक्शन का खर्चा मिला के बेटा था 20 करोड़ रुपए, और ये फिल्म कंप्लीट हुई थी दोस्तों 100 करोड़ रुपए में। वहीं पे इस फिल्म को हिट होने के लिए कमाना थे तकरीबन 120 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें इस फिल्म के स्क्रीन काउंटिंग की, तो इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में, हमारे ऑल ओवर इंडिया में इस फिल्म को स्क्रीनर दी गई थी 3600। वहीं पे इस फिल्म का ओवर असेसमेंट मिली थी दोस्तों 600 स्क्रीनें। अब अगर बात करें इस फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन की ओपनिंग ली थी हाफ डे में 21 करोड़ 6 लाख रुपए की। वहीं पे दोस्तों, इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन की ओपनिंग ली थी 16 करोड़ 75 लाख रुपए की। वहीं पे अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने तीसरे दिन कलेक्शन करते हुए नजर आई थी 18 करोड़ 75 लाख रुपए की। वहीं पे अगर बात करें इस फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने लाइफ टाइम कलेक्शन कर चुकी है 154 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें फिल्म कलंक की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर कलंक फिल्म के रिव्यूज बेकार निकल के आए हैं, क्रिटिक के रिव्यूज भी बेकार निकल के आए हैं, उससे पूरा पूरा फायदा मिल रहा है फिल्म केसरी को। जी हां दोस्तों, इससे यह फिल्म तकरीबन 10 करोड़ रुपए और कमा सकती है, और यह अपना कलेक्शन 154 से 165 करोड़ रुपए तक का पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ में हॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके भाई का चैनल एवी बॉक्स ऑफिस। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।